हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मैकटेक में। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वीडियो मैंने किस प्रपत से बनाई है। तो वीडियो को फिर एक बार इंट्रो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि जब कोई गाड़ी ओनर गाड़ी चलाना सीखता है तो क्या होता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में गाड़ी को किसी स्लोप में चढ़ाई के अंदर जब गाड़ी उसकी रुक जाती है तो वो गाड़ी को चढ़ा नहीं पाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, तो वो ऐसी प्रॉब्लम को फेस करता है। तो उसी लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप मेरे चैनल पर विजिट करना। आपको ऐसे ही गाड़ी से जुड़ी दैनिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बाइक से हो गए गाड़ी हो, तो उसके बारे में मैंने चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो आप एक बार मेरे चैनल पे जाके विजिट जरूर करें। तो अपने डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि गाड़ी जब चढ़ाई के अंदर रुक जाए और या किसी ट्रैफिक में रुक जाए तो आपकी गाड़ी बंद ना हो, आप परेशानी में ना पड़े और आपको कैसे क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करके गाड़ी को फिर रनिंग में लेके आए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, क्या करना है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी किसी स्लोप में रुक जाए तो आपको फिर उसे वापस कैसे चलाने की कंडीशन में लेके आना है। तो क्या करते हैं, अपने गाड़ी रोकते वक्त अपने को क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं फिर ब्रेक दबाते हैं। ठीक है, गाड़ी रुक गई, अब इसे चलाना कैसे स्टार्ट करें, तो उसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों, जो आपको गाड़ी का हैंड ब्रेक होता है, फर्स्ट टिप्स बता रहा हूँ आपको जो कि आपको पहली बार में ये करना है, क्योंकि आपको दूसरी टिप्स भी बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगी और आप उसमें प्रॉपरली कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आप कुछ एक्सीडेंट कर बैठोगे। तो उससे पहले आप ये टिप्स समझें बिगिनर के लिए, क्या करना है अपने को, जैसे पहले हैंड ब्रेक को खींच लेना है, ठीक है, फिर अपने को ब्रेक छोड़ देना है, गाड़ी अपनी उसी कंडीशन में खड़ी है जिस कंडीशन में अपने को है, ठीक है, फिर अपने को फर्स्ट गियर अप्लाई करना है, क्लच दबाए रखना है, फिर क्या करना है अपने को क्लच को स्लोली 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 छोड़ना है, एकदम स्लोली। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाएगी, ऐसा लगेगा गाड़ी अब आगे चलने के लिए तैयार है, इंजन पे दबाव महसूस होगा, तो उस टाइम क्या करना है अपने को हैंड ब्रेक को रिलीज कर देना है। आपकी एक सेकंड भी गाड़ी, एक इंच भी आपकी गाड़ी पीछे की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। हैंड ब्रेक रिलीज करने के बाद में अपने को क्या करना है कि धीरे धीरे फिर जो बाकी बचा हुआ क्लच है वो धीरे धीरे छोड़ना और उसी के साथ साथ अपने को हल्का हल्का रेस भी अप्लाई करना है, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, आपको किसी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा और आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट टिप, बेसिक टिप, और एकदम जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो उनके लिए हो गया ये। तो फिर आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद में आप सेकंड टिप्स का इस्तेमाल करते हैं जो सभी गाड़ी ओनर इस्तेमाल करते हैं, जो प्रो ड्राइवर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि गाड़ी जब स्लोप में रुक जाती है तो क्लच और ब्रेक दबा के वो रोक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, वही प्रोसेस है, फर्स्ट गियर अप्लाई करते हैं और हल्का 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 क्लच छोड़ने लग जाते हैं। जब वो क्लच छूटने लग जाता है तो वो गाड़ी एक ऐसी कंडीशन में क्लच आएगा जहां पे गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाएगी, वही सेम प्रोसेस है, गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाएगी और उसके बाद में अपने को ये ब्रेक है वो छोड़ देना है और ये जो पैर है अपने को इसे रेस पे लेके आना है और हल्का सा रेस प्रेस करना है और क्लच को उसी कंडीशन में धीरे 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 छोड़ते रहना है और रेस को हल्का 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 प्रेस करते रहना है। जितनी चढ़ाई होगी उसी हिसाब से अपने को रेस को प्रेस करना है, उतना ज्यादा रेस को प्रेस करना है और क्लच को उतना ही स्लोली छोड़ना है। ऐसे छोड़ते रहोगे आप तो गाड़ी आपकी एक इंच भी पीछे नहीं जाएगी और आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। जैसे गाड़ी चलने लग जाती है आप थोड़ा सा रेस को और बढ़ा दीजिए, गाड़ी और आगे चलने लग जाएगी। बस ये इतना सा प्रोसेस था, आप इसे दैनिक जीवन में अप्लाई करके देखें, मैं कह सकता हूं कि गारंटी से आपकी गाड़ी एक इंच भी पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक मेरे को ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक यू।